तो आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पर स्मॉल फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, और जो मेरी बेसिक आईब्रोज़ है उसके दोनों अप एंड डाउन में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। और जो हमारी आईब्रोज़ की जो फ्रंट साइड होती है उसको हमेशा हम थोड़ी लाइट रखते हैं, डार्क रखने से वो थोड़ी ज़्यादा ही फेक लगती है, तो हमेशा हमारा फ्रंट साइड लाइट रहेगा। अब मैं अपने गैप्स को पूरा फिल करना स्टार्ट करूंगी। आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और आप जेल फॉर्म में भी ले सकते हैं, मुझे जेल फॉर्म वाला ज़्यादा अच्छा लगता है आईब्रोज़ के लिए, तो मैं सारे अपने गैप्स को फिल कर दूंगी। हमें फ्रंट में नहीं लेना है, फ्रंट में बिल्कुल लाइट ही रखना है हमें। अब मैं यहाँ पर ये आईब्रोज टिंट ले रही हूँ, ये भी पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी आईब्रोज़ के लिए, एक तरह से ये आपकी आईब्रोज़ का मस्कारा है, और इसको भी हमें फ्रंट में हल्का लाइट ही रखना है और पूरी आईब्रोज़ में अच्छे से फिल कर लेना है। और यहाँ पर मैं अपने कंसीलर ले रही हूँ, मेबलिन का ही ले रही हूँ, और स्मॉल फ्लैट ब्रश से अपने जो मेरी जित आईब्रोज़ है जहाँ जहाँ पूरे जो इसकी आउटलाइन है उसको मैं ये कंसीलर से कवर करूँगी, ताकि मेरी जो एजेस है वो शार्प लगे और ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे मेरी आईब्रोज़, और फेक भी नहीं लगे और बिल्कुल एकदम रियल जैसी ही लगे। हमने जो ये कंसीलर लगाया है इसको हम ब्रश से भी और ब्लेंडर से भी डैप कर सकते हैं, आप अपने फिंगर से भी कर सकते हैं, मैंने अपनी ये फिंगर से ही किया है। होप आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।